और पीटीआई को एक और बड़ा झटका। साबिक विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया है। वीडियो पैगाम में कहा कि 9 मई के वाकयात ने पीटीआई के नज़रिए से दूर रहने पर मजबूर कर दिया है। पीटीआई के सियासी फलसफे के साथ नहीं चल सकता। कोर कमेटी की मेंबरशिप जनूबी पंजाब की सदारत भी छोड़ दी थी। एक साल कबल मैंने पार्टी की आला क्यादत और सफ़े अव्वल की क्यादत के सामने फाशगाफ अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी इदारों के साथ माजराई की यह नया सियासी लाहेमल पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसीलिए मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से दूरी इख्तियार कर ली और अहम ओहदे यानी कोर कमेटी की मेंबरशिप और जनूबी पंजाब की सदारत के फराइज से भी दूरी इख्तियार कर ली थी। मगर अब 9 मई के दिलसोज वाकयात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे से दूर हो जाऊं और मैं इस सियासी फलसफे के साथ अब नहीं चल सकता। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरा 25 साल का सियासी तजुर्बा जो कि मकामी सूबाई और कौमी मनसूबों के फराइज अदा करने